है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। तो यहाँ पे आके देखो, आपको फील आएगा स्वर्ग क्या होता है। कितने सालों से सोचते थे कि यहाँ पे आएंगे केदारनाथ बाबा के धाम पे, आज पहुँच गए। सारा कुछ नीचे सब कुछ बहाते हुए ले गया था। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? यार उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज हमारा डे 6 या 7 पता नहीं, कल का वीडियो अगर देखा होगा आप समझ गए होंगे यार क्या भयानक, मतलब कि जिंदगी का सबसे भयानक ट्रैक करके मैं पहुँचा था केदारनाथ बाबा के दरबार पे। देखो अभी बाहर हो रहा है बारिश और मैं टेंट में हूँ। आप देख सकते हो पूरा लगेज जो है एकदम बिखरा हुआ है। वो सचिन और अविनाश भाई उधर कहीं पे हैं, अंकित भी उन लोगों के साथ हैं। मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम कर रहा था यार, बहुत फ़ोन वोन आ रहा था तो उसी में मैं बिज़ी हो गया था। तो भाई अभी मैं आपको बाहर के ज़रा नज़ारे दिखाता हूँ। बाहर ऐसे तो हो रहा है बारिश, लो देखो कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं भाई बाहर के। अभी हम लोग घूमेंगे, बहुत मज़ा करेंगे भाई, इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। इतना सुंदर सुंदर चीज़ है और मंदिर का मैं दूर से सिर्फ एक झलक देखा हूँ, मंदिर को अभी तक नहीं देखा हूँ पास से कि कैसा लगता है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक और फ्रेश कमाल वाले वीडियो में। आज हमारे साथ आनंद लीजिए केदारनाथ धाम का, बहुत मज़ा आएगा जी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। दोपहर के 3 बज रहे करीब करीब, और यार सही 3 बज रहा है, 10:11 हाँ 3 बज गया। और क्या है कि यार देखो हम पहुंच चुके हैं कहाँ, तो स्वर्ग में। ये देखो स्वर्ग कुछ ऐसा दिखता है भाई। यहाँ पे हमने टेंट लगा ली थी, अविनाश भाई लोगों की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी थोड़ा सा, तो उन्होंने कहीं पर रूम वूम लेके एडजस्ट हो गया, अभी वो सो रहे हैं आराम कर रहे हैं भाई। तो भाई अभी नज़ारा कुछ ऐसा है, हम थोड़ी देर पहले सोचे थे कि वहाँ से ट्रैक करेंगे, वहाँ भैरव बाबा का मंदिर है, फिर उधर ऊपर ट्रैक करके जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि अचानक से बहुत ज़ोर का बारिश हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि टेंट वेंट पूरा अभी तक गीला ही है। तो भाई अभी तो सबसे पहले मंदिर जो है वो उधर है, अभी हम चल के करेंगे एक्सप्लोर यहाँ के जितना भी जगह को कर पाए। बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि केदारनाथ में भीड़ वगैरह वैसा कुछ भी नहीं है, जितना कि बताया जा रहा था कि पूरा भरा हुआ है, भगदड़ मच रहा है वगैरह वगैरह, वैसा कुछ नहीं है। आपको अगर मैं नीचे भी दिखा दूँ तो वहाँ पे जो है वहाँ पे हेलीपैड है, हेलीकॉप्टर आता है वहाँ फाटा से उड़ के, यहाँ पे दो दो हेलीपैड है। और देखो भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं है, एकदम नॉर्मल भीड़ है यार। ये वाला जगह खाली है और वहाँ पे है केदारनाथ बाबा का मंदिर, और यहाँ से लाइन लगना शुरू होता है, उधर जाता है, इधर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हैं और यहाँ से बहुत सारे ट्रैक्स भी जाते हैं। ऊपर से बेहतरीन बेहतरीन वाटरफॉल बह रहा है और जो बादल है वो पहाड़ में घुसे हुए हैं। इस जगह का कोई ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि कभी भी मौसम चेंज हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उधर जो है वो उसमें धूप है, और अगर इस पर देखोगे ना तो इस पर बादलों से ढका हुआ है और हल्का हल्का ड्रिजलिंग्स हो ही रहा है अभी भी, तो मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। हाईएस्ट पीक है यार 11,000 समथिंग फीट पे है केदारनाथ मंदिर, जो यार सच में सीरियसली इतना हार्ड ट्रैकिंग था ना। ट्रैकिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना हार्ड ट्रैकिंग था, हमने कितनी सारी चुनौतियाँ फेस की यार। और बस आखिरकार हमारा सपना पूरा हुआ, इतने दिनों का सपना जो तब पूरा होगा जब हम दर्शन करेंगे, क्योंकि अभी मंदिर बंद हो चुका है। तो हमारा प्लान कुछ यूँ है कि कल सुबह 2 बजे लाइन में लग के 3 बजे दर्शन करके उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है जी। तो आप नज़ारे ज़रा देखो इधर के, ये है जी केदारनाथ मंदिर। और भाई साहब ये स्वर्ग है, सच में स्वर्ग से कम नहीं है ये। यहाँ पे हवा स्वर्ग से आती है, पानी भी स्वर्ग से आती है ऐसा कह सकते हैं। यहाँ का पानी अगर आप पियोगे कह सकते हैं कि आप तर जाओगे यार, मतलब कि बहुत गूज बम्स वाला मूवमेंट है यहाँ पे। मैं अभी गया था उधर घूमने के लिए, तो मतलब जिस चीज़ को हम लोग सपने में देखते थे, सिर्फ वीडियोज़ में देखते थे, तमन्नाएँ रखते थे आने के लिए कि यार कब आएंगे कब आएंगे, एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन हम आएंगे। लो आज वो दिन आ गया, हमने कर दिखाया ट्रैक करके। इतना आसान ट्रैक नहीं, हार्ड है। लेकिन एक और अजीब बात है कि 80-80, 90-90 साल के बूढ़े बुजुर्ग लोग ट्रैक कर रहे हैं, वो भी पैदल। भाई ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि आस्था देखो, आस्था के नाम पे मतलब बहुत
गूज़बम्प्स वाला चीज़ है। और जहाँ पे हम लोगों की हालत ख़राब हो जा रही है, चला नहीं जा रहा है, सांस फूल रहा है, गिरने वाला हाल हो जा रहा है, वहाँ पे सारे लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो चलिए अभी यहाँ थोड़ा सा घूमते हैं, हम मंदिर दिखाते हैं, बहुत कुछ दिखाना है जी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो लंबा होगा तो बुरा मत मानिएगा, एंजॉय कीजिए केदारनाथ बाबा के अद्भुत स्वर्ग के कुछ मूवमेंट्स हमारे साथ। तो मेरे को लगता है जब बहुत सारा भीड़ होगा तो यहाँ पे बैरिकेडिंग वगैरह की गई है और यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है भाई। आगे जो है, आगे है मंदिर, बहुत सारे कैंप्स टेंट्स आपको मिलते जाएंगे रास्ता में भर भर के, 2-3 किलोमीटर पहले से ही देख लो। हमने तो उधर लगा लिया, इधर भी कैंप्स है, इधर लेडीज़ के वॉशरूम है, लेकिन जेंट्स का कोई वॉशरूम ही नहीं है, तो मेरे को यहीं पर फ्रेश होना पड़ा। ऐसा कोई इशू नहीं है, ये गजब लग रहा है, इग्नू टाइप का। तो भाई यहाँ पे छोटा मोटा मार्केट भी है, बहुत सारे होटल्स है, बहुत कुछ है यार। आप देख सकते हैं प्रसाद मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी टेंट लगा हुआ है, ऊपर ढाबा वाबा सारा कुछ का प्रबंध है, यहाँ पे डस्टबिन है और गाना वाना बज रहा है बहुत अच्छी तरीके से। इस वीडियो में अगर कॉपीराइट भी आ जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, सब आप सभी लोगों को इंजॉय करवाएंगे केदारनाथ धाम। ये देखिए कुछ ऐसा प्रसाद होता है जी, इस चीज़ में प्रसाद मिलता है, तो वो सब तो हम लोग लेंगे कल के लिए। अभी तो कुछ खाना है हमें, क्योंकि कल रात के बाद से हमने कुछ खाया नहीं है। बहुत कुछ मिलता है, रुद्राक्ष वगैरह, मूर्ति वगैरह, बहुत टाइप का मिलता है भाई। और ऊपर होटल है, टेंट है। और देखिए जितना अफवाहों में बताया जा रहा था कि बहुत सारा भीड़ है, कुछ भीड़ नहीं है वैसा, आप देख सकते हैं सब कुछ नॉर्मल है यहाँ पे। आज है दिनांक, आज 1 जून है और 1 जून का कुछ ये पोजिशन है। यहाँ पे कड़ा वड़ा मूर्ति वूर्ति सारा कुछ मिलता है, देख लो रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और बहुत मस्त माहौल हो गया है। ड्रिजलिंग सो ही रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि पहाड़ी है ऊपर, आप मौसम देख सकते हो कैसी है। और वहाँ है श्री केदारनाथ का मंदिर, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कितना अद्भुत है, जिसे हम सपनों में देखा करते थे आज हमारे आँख के सामने है। ये बहुत अद्भुत लग रहा है, मैं आके यहाँ पे 10 मिनट तक खड़ा रहा, मंदिर का सिर्फ स्ट्रक्चर को देख रहा था कि भाई साहब ऐसा कितना यूनिक है ये। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह मिलती है, बहुत कुछ है, नॉर्मल मार्केट के जैसा है, जैसे कि हर मंदिर में रहता है। यहाँ पे होटल और जनरल स्टोर भी मिलेगा, यहाँ पे आप जूते चप्पल कपड़े वगैरह नॉर्मल डेली लाइफ यूजेस की चीज़ आप खरीद सकते हैं, और हर टाइप की दुकान है यार, मतलब जितने भी नीड्स का सामान है सारा कुछ मिल जाएगा। पंजाबी होटल है, इंडियन है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, हर टाइप का डिशेस खाना वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। और ऐसे चलते चलते वो गाना याद आ गया दोस्तों, बस लिए समर्पण तन मन में मैं देवभूमि में आता हूँ, क्या बात है, बहुत खुशी हो रही है यार, सीरियसली बहुत खुशी हुआ है। भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ, मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ, क्या बात है। जय श्री केदारनाथ बाबा, आज जाके इतने सालों के बाद सपना पूरा हुआ। तो यहाँ से लाइन लग के जाता है, अभी देख सकते हैं अभी कुछ भी लाइन नहीं है, कुछ खास भीड़ नहीं है। यहाँ से आप जाके दर्शन कर सकते हैं केदार बाबा के, हमें सुबह करना है बहुत अच्छी तरीके से दर्शन, तो थोड़ा हम इधर घूमेंगे जी, ये कैसा है ये जगह, इतना अद्भुत है, आखिर इसे स्वर्ग क्यों कहते हैं, ऐसा क्या चीज़ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो हम लोग मतलब कि वीडियोस में देखते थे आज आंखों देखा देख रहे हैं, हमें पीछे भीम शिला भी दिख रहा है। हो हाँ, सब कुछ जितना उधर डिस्ट्रॉय हुआ था 2013 के आपदा में, वो सारा कुछ जो है कटा हुआ है पहाड़। ओ भाई साहब बहुत बड़ा मंदिर है ये। तो भाई देखो अभी जो रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम हुआ है ना चार धाम यात्रा के लिए, तो देखो भीड़ कितना कम हो चुका है, एकदम नहीं है भीड़। और ये है केदारनाथ का अद्भुत टेम्पल, भाई साहब बारिश भी हो रहा है लेकिन ये अमेजिंग है भाई। स्वर्ग, अगर पता आपको नहीं चले कि स्वर्ग किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आके देखो, आपको फील आएगा कि स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग से हवाएं कैसी आती है, वाइब्स कैसी आती है, यहाँ पे फील आएगा। ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर से आना है यहाँ पे।
मतलब मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मेरे को मन कर रहा है मैं सब कुछ दिखाऊं आप लोगों को लाइव। क्या बात, ये है अद्भुत केदारनाथ धाम, केदारनाथ टेम्पल, और चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। भाई साहब, तो भाई अभी इसका 360 देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है और श्रद्धालु मतलब एकदम क्या बताऊँ, इतना जोश है ना यहाँ के लोगों में, श्रद्धालुओं में, कि आप ऐसा जोश आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे अपने लाइफ में। मैंने देखा है कल ट्रक के दौरान में, कितना जोश है भाई। यहाँ पे बाबा लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये देखो, ये है जी अद्भुत केदारनाथ टेम्पल। वाओ, अमेजिंग, देख रहे हो, गोप्रो का सुपर वाइड व्यू में भी फिट नहीं हो पा रहा है, मतलब आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा है। इधर से एग्जिट गेट है, सेंटर से एंट्री गेट है। यहाँ पे अंदर सारे लोग बाबा केदार के दर्शन करके आ रहे हैं, और मस्त माहौल यहाँ पे बना हुआ है। बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। तो भाई अभी लगता है हमें कुछ खा पी के टेंट में घुसना होगा वापस से। यहाँ पे जल, पीने का पानी का व्यवस्था है, केदारनाथ बद्रीनाथ समिति का हेल्पलाइन है, मतलब आप पुलिस सहायक केंद्र है ऐसा बोल सकते हैं, विशेष पूजा कार्यालय है, बहुत कुछ है, मतलब हद से ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी आपको 11,000 फीट पे। मोबाइल का नेटवर्क है, इंटरनेट है, हाँ स्लो चल रहा है लेकिन है। और उधर देख सकते हैं बहुत कुछ है, हर जगह जाने का नया नया ट्रैक है, बहुत कुछ है, मतलब आस्था, धर्म आस्था की चीज़ें। और यहाँ पे भीमशिला है, हम चल के देखते हैं भीमशिला को। तो दोस्तों देखो, ये है भीमशिला। आप सभी लोगों को पता है कि 2013 में आपदा आई थी, सभी लोग एक एक इन्फॉर्मेशन रखते हैं कैसे क्या हुआ था। उन दोनों चोटियों से जब पानी आई थी तो ये पत्थर ऊपर की चोटी से गिर के आ गया था यहाँ पे, और पानी को दो लेयर में चीर दिया था, और उसी के कारण मंदिर बच पाई थी। तो भाई वो सब तो आप सभी लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस जगह का सौंदर्य दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये कितना खूबसूरत जगह है, स्वर्ग द्वार आखिर इसे क्यों कहते हैं। इस भीमशिला की बहुत ही जोरों शोरों से पूजा पाठ की जाती है, इतना इसका मान्य है कि पूछो मत, इसी ने बचाया था, आप देख सकते हो। और इधर भी कैंपिंग वगैरह सारा कुछ हो रहा है, बारिश देख रहे हो कितना तेज़ हो गया है। हम भी भींग जाएंगे, टेंट पे जाएंगे, हमारा टेंट भी भींग जाएगा। ये स्वर्ग के आगे सब कुछ मंजूर है, भींग जाए कोई दिक्कत नहीं है जी। स्वर्ग में हम आए हैं, सपना पूरा हुआ है आज। कितने सालों से सोचते थे कि यहाँ पे आएंगे केदारनाथ बाबा के धाम पे, आज पहुँच गए, पहुँच गए। बहुत स्ट्रगल हुआ लेकिन आज पहुँच गए, और आके यहाँ पे जो सुकून मिल रहा है ना, उत्तराखंड के लोगों का प्यार, उत्तराखंड से इतना प्यारे लोग हैं ना यहाँ के, भाई सलाम है इन लोगों को। कभी आप लोगों को देखना है कि एक अच्छी जगह, अच्छे लोग कैसे होते हैं, तो उत्तराखंड विजिट कीजिए, यहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, आप लोगों को पता चलेगा। भाई अभी भी मेरे से रहा नहीं जा रहा है, इतना खूबसूरत नज़ारा ज़िंदगी में आज तक ना देखा ना कभी देख पाऊँगा। केदार बाबा का बुलावा था तो हम पहुँचे, दोबारा तो पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, लेकिन इस बार बहुत स्ट्रगल हुआ, पहुँच तो गए जी। अभी बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, ये हो गया भाई केदारनाथ, अभी इसके दर्शन करना है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, वाह अद्भुत। भाई कहाँ पे बसा हुआ है मंदिर आप सोच सकते हो, कल का वीडियो देखना, ट्रैक देखना, तब आपको समझ में आएगा किस किन किन कितने सारे पहाड़ को पार करके हम लोग आए हैं यहाँ पे। हो अभी अभी हम आए हुए हैं कुछ मंदिर के इस साइड में, इधर मंदिर है इस साइड में आए हुए हैं कुछ, हाँ वो तो बताए, तो वो ट्रैक है, कोशिश करते हैं वो करने का, पैर हाथ का तो लगी पड़ी है, लेकिन एक वो भैरव बाबा का ट्रैक है, एक ऊपर इंडियन फ्लैग दिख रहा है, वहाँ भी कोई ट्रैक है, तो देखते हैं मौसम की स्थिति क्या रहती है, तो उसी हिसाब से करेंगे ट्रैक।
हाय हाय हाय, नदी देखो जी। जब आपदा आई थी तो जितना भी सब कुछ है ना, सब बह गया था। ये पुल भी मेरे को नया लग रहा है, सारा कुछ नीचे सब कुछ बहाते हुए ले गया था। बहुत बुरा हुआ था यार। अभी उस पुल को पार करते उधर कहीं जाएंगे। ये खूबसूरत सा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और सारी तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जी, इधर उधर। यहाँ पे केदारनाथ बाबा का मंदिर, हर तरफ कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है। वही है, हमें अंदर से दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है और बहुत कुछ दिख रहा है। हम यहीं से प्रणाम कर रहे हैं और अंदर एकदम लग रहा है कि सब कुछ स्वर्ण का है, इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये सबसे स्ट्रेट व्यू केदारनाथ टेंपल का, अभी मौका मिला नहीं तो यहाँ पे तो काफ़ी भीड़ था, लेकिन आप देख लो भाई, ये है सबसे स्ट्रेट व्यू भाई साहब, अमेजिंग। अभी मंदिर बंद हो चुकी है ऐसे, और ये नंदी। तो दोस्तों अभी हम खा रहे हैं यहाँ पे चावल दाल और सब्जी, ओनली 150 रुपीज़ प्लेट में। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि खाना बहुत महंगा है, तो यहाँ पे मस्त खाना बन रहा है। गर्मी लग रहा है क्या अंकित? भूख तो लगा था ना। तो दोस्तों करीब करीब शाम के 5 बज गए हैं और हम आनंद ले रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, रैंडम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वो लोग अभी तक सोए हुए, पता नहीं कितना थक गए यार। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों से डिस्कशन हुआ, तो यहाँ के लोग बोल रहे थे कि ये सब जो कंस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है या फिर जो कर रहे हैं, ये सब सही नहीं है। एक्चुअली इस मिट्टी में दम नहीं है, पूरी मिट्टी जो है वो भुरभुर मिट्टी है, उस पर इतने सारे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है, यही सब बता रहे थे। काफ़ी सारी बातें हुई और यहाँ के लोग मुझे आर्मी वाले समझते हैं, ऐसे ड्रेस में मैं घूमता हूँ। तो अभी आज का प्लान ये है कि 7 बजे से आरती होगा, 7 से 8, तो वो आरती को भी हम कवर करेंगे आप लोगों के साथ, और कुछ कुछ और भी कवर करेंगे जो जो दिखते रहेगा। फिलहाल तो हेलीकॉप्टर्स वगैरह आ ही रही है यार, अभी तक श्रद्धालु आ ही रहे हैं, लेकिन भीड़ उतना ही है, जितने आ रहे हैं उतने जा भी रहे हैं, तो एक नॉर्मल सा मस्त सा माहौल बन के रखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, जैसे जैसे रात होगी ना, वैसे वैसे ठंड जो है वो बढ़ने लगेगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन क्या, अपना तो टेंट स्लीपिंग बैग है, उस पर काम हो जाएगा, कल भी हो ही गया था। कहीं कहीं पर सन के शेड्स आ रहे हैं। एक और अद्भुत सी बात है यहाँ की कि जो बारिश है ना, सिर्फ इसी पोर्शन में पड़ता है, इस मंदिर वाले पोर्शन में ही पड़ता है, बाकी उधर देख लो धूप है, और उस पीक के भी उधर धूप ही है यार। तो कहते हैं यहाँ के लोग कि भोले बाबा इतने आसानी से दर्शन नहीं देते, भोले बाबा यहाँ आके अपना मतलब कि स्थान ग्रहण किए, क्योंकि लोग इतने आसानी से उन तक नहीं पहुंच पाए। और वहाँ पे यहाँ के लोकल लोगों ने बताया, मोदी जी जब आते हैं तो वहाँ पे वो अपना मेडिटेशन वगैरह करते हैं, और यहाँ पे मोदी गुफा नाम है, और बासुकी ताल का भी ट्रैक उधर, बहुत सारे ट्रैक हैं यहाँ पे, कुछ ट्रैक इधर से भी शुरू होते हैं, उधर भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, बहुत सारे ट्रैक हैं यहाँ पे जी। बढ़िया भाई, दोस्तों शाम हो चुकी है और ये है 6 बजे शाम का माहौल। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन माहौल है यहाँ पे, श्रद्धालु एकदम भर पड़े हैं, और भाई साहब अभी मंदिर फिर खुली है दर्शन के लिए। अभी 7 से 8 बजे तक आरती होगा, भव्य आरती, उसमें हम हिस्सा लेंगे और फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे जी। तो बहुत मतलब अमेजिंग लग रहा है, कभी भी यहाँ पे आते हैं तो 1 से 2 दिन जरूर से टाइम बिताइए, यहाँ पे बैठिए, आनंद लीजिए और स्वर्ग का हवाओं को अपने शरीर में डालिए भाई। कुछ इस प्रकार से अभी का माहौल है। शाम के 6 बज रहे हैं, अभी सारे लोगों को वीडियो कॉल करके दिखा रहा था जी मंदिर। तो भाई लोग देखो जनाब, 1-2 दिन के बाद आए, 1-1.5 दिन के बाद कहाँ थे? अरे 1-2 दिन नहीं भैया, हम सो रहे थे, विश्राम में थे। आराम ऐसा होता भाई, इतना थक जाते थे। तो अभी बज गया 7 बजने वाला, अभी हम तैयारी कर रहे हैं क्या जी, आरती, आरती की, माँ आरती की। बहुत सौभाग्य वाले लोग होते हैं जो यहाँ पे, जिनको सौभाग्य मिलता है यहाँ पे बैठने का, और आज हम बैठे हुए। बाकी मौसम गड़बड़ा गया, मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, ऊपर देख सकते हो, लेकिन भीड़ देखो भाई, भीड़ लग चुकी है। एंजॉय कीजिए जी आरती।
भैया मंदिर की आरती को हमने इंजॉय किया थोड़ा देर। यार थकान बहुत हो रहा है, मत पूछो यार। अभी इंजॉय कर रहे थे कुछ इधर के नज़ारे, और कैमरे में क्या लग गया है जो लाइट ऐसे ऐसे, ये अपने आप रिफ्लेक्शन हो रही है। तो भाई यहाँ पे खुदाई देख रहे थे इस मशीन का, कैसे पहाड़ को तोड़ा जाता है अपने टेंट के पास। उन लोगों को भी बुलाया हूँ, थोड़े देर आराम करूँगा, उसके बाद क्या करते हैं कि सोते या फिर खाते, कुछ तो करना होगा क्योंकि कल सुबह में सबसे पहले हम लोगों को मंदिर जाना है दर्शन करने। उसके बाद वो जो ट्रैक दिख रहा है ना आप लोगों को, वहाँ भैरव बाबा है। कहते हैं कि इस मंदिर को जाने के बाद भैरव बाबा में जाके ही मनोकामनाएँ पूरी होती है, मतलब एक यात्रा सफल होता है ऐसा माना जाता है। तो वो भी करना है कल, और उसके बाद कल हमें नीचे भी उतरना है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है जी हमारे लिए। देखो यार भाई लोग आ चुके हैं, बढ़िया सा आरती हुआ, बढ़िया से मज़ा आया। डिस्कशन हो रहा है कैसे कैसे क्या क्या ट्रिप को कैसे कैसे प्लान करना है, कैसे आगे बढ़ाना है एफिशिएंट तरीके में, वही सब कर रहे हैं जी। 8 बज, टाइम को भी देखना है, रात के 8 बज गए, अब कुछ खाते और फिर सो जाएंगे, और फिर सोने के बाद सुबह में उठेंगे। क्या सुबह में दर्शन को जाएंगे और ऊपर भैरवनाथ का मंदिर में जाएंगे, और भी कुछ कुछ करेंगे, देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं। तो भाई साहब पीछे हो रहा है खुदाई, और अपने बंजारा लाइफस्टाइल में फिर से घुस गए हैं भाई। बात ऐसा है कि वो लोग गए हुए खाना खाने, और मेरे को एकदम हिम्मत नहीं हो रहा खाना खाने का, क्योंकि मैंने चावल दाल खाया है ज़्यादा देर हुआ नहीं है, 4 या 5 बजे करीब। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना आप लोगों को पता है, एक लाइक एक शेयर, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक और नए फ्रेश कमाल वीडियो, फ्रेश कमाल एपिसोड में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय भोले।